हिमाचल प्रदेश सरकार ने आज नव वर्ष के मौके पर अनाथ बच्चों, एकल नारियों की शिक्षा और अन्य सहायता के लिए मुख्यमंत्री सुखाशय सहायता कोष स्थापित किया है। इस योजना के अंतर्गत प्रदेश के लगभग 6000 अनाथ बच्चों और एकल नारियों को स्कूली शिक्षा के साथ ही किसी भी प्रकार की उच्चतर शिक्षा अथवा जीवन यापन से संबंधित अन्य कोर्सों के लिए सहायता देगी। वहीं एकल नारियों को शादी तक में वित्तीय मदद दी जाएगी। मुख्यमंत्री ने आज शिमला में इस योजना का ऐलान करते हुए कहा कि अनाथ बच्चों के लिए माता पिता की भूमिका सरकार निभाएगी और इन्हें त्योहारों में फेस्टिव भत्ता देने के साथ ही जेब खर्च जैसी मूलभूत जरूरतों की में भी मदद की जाएगी। अभी 21 दिन हुए हैं, 21 दिन में सरकार ने समाज के प्रति अपनी सजगता दिखाई है और कुछ फैसले हमने जो लगता था कि हिमाचल की जनता को के संदर्भ में करने चाहिए थे, हमने उन फैसलों को किया है। कई प्रकार की चर्चाएं होती हैं और चर्चाओं का बाजार हमेशा गर्म रहता है, लेकिन मैं कुछ बातें आपके सामने कहना चाहूँगा। आप जानते हैं मुख्यमंत्री की शपथ लेने के बाद मैं सबसे पहले सचिवालय नहीं गया और मैं उस बालिका आश्रम में गया। बालिका आश्रम अच्छा से चल रहा था, लेकिन मैं जब उन बालिका आश्रम में पहुंचा, मैंने एक चीज का अनुभव किया। उन बच्चों से मैंने सीखा, क्योंकि बच्चे भी आपको सिखाते हैं, और वो बच्चे जिनका इस समाज में कोई नहीं है, वो बेटियां जो हमारे समाज में अपने माता पिता को छोड़ चुकी है, किस प्रकार से जीवन जी रही, मुझे उनसे सीखने का मौका मिला। फिर उसके बाद मैं सरकार की जो बनाई योजनाओं के द्वारा कार्यक्रम थे, मशोबरा में भी गया, वहाँ भी हमने सब कुछ देखा और एक भावना जो उनकी मैंने महसूस की, उस भावना को मैंने पाया कि इन बच्चों की जो भावना है, उस भावना को सम्मान कैसे दिया जाए। महिलाओं से भी मिला, बुजुर्ग जो थे उनसे भी मिला, और जो बच्चे डम एंड डफ की कैटेगरी में आते हैं उनसे मिल तो नहीं सका, लेकिन उनकी वस्तु स्थिति को मैंने जाना। और 21 दिन के बाद हमारी सरकार ने फैसला किया कि इनकी माता भी सरकार है, इनकी पिता भी सरकार है। जिस प्रकार हम अपने परिवार में ऐसे बच्चों का ख्याल रखते हैं कि अब हमारा अपना बेटा है, हमारी अपनी बेटी है, उसी प्रकार इन बच्चों के लिए सरकार का ये अपना बेटा है और सरकार की अपनी बेटी है। इस दृष्टिकोण से मैंने विभाग के अधिकारियों से चर्चा की। चर्चा करने के बाद पहली बैठक में हमारा ये फैसला हुआ कि इन बच्चों के जो जिनके कोई भी सहारा नहीं है, सरकार माता है, सरकार पिता है, इसके लिए एक योजना एंड टू एंड लाई जाए। काम हुआ और मैं धन्यवाद देना चाहूँगा सामाजिक कल्याण विभाग को कि 20 दिन के अंदर एक ऐसी योजना आपके सामने लेकर आए हैं जहां आप भी गौरव महसूस करेंगे। और इसका सारा श्रेय मैं अपने अधिकारियों को, विधायक दल के सभी लोगों को देना चाहूंगा कि उन सब ने भी इसमें अपना योगदान दिया, और कुछ तो हमारे पत्रकार बंधु भी थे जिन्होंने इस योजना के बारे में हमें बताया। और आज जब नव वर्ष की शुरुआत का पहला दिन है, सुबह ही मैंने, क्योंकि रात को ही
हमारे चीफ सेक्रेटरी साहब प्रमोद सक्सेना जी की नियुक्ति हुई है 11-12 बजे, और आज सुबह से ही हमने इनसे बात की, सुबह से ही कार्य में अपने जुड़े, इनसे मैंने अनुरोध भी किया और डायरेक्शन भी दी। सबका एक मत था, नहीं हम एक ऐसी योजना लाए जो सभी बंधनों से दूर हो, कोई सरकारी बंधन उसमें ना हो। सरकारी बंधन का मतलब है कि ऐसे बच्चे किसी सरकागजी कार्रवाई से ना जाए। इस दृष्टिकोण एक फैसला किया गया कि हमारी सरकार हिमाचल प्रदेश में जो अनाथ आश्रम में पढ़ने वाले बेसहारा बच्चे तो है ही, हिमाचल प्रदेश में जो भी बच्चे हैं या जो भी यौवन पीढ़ी में युवा जीवन में आ चुके हैं, उनके लिए एक योजना लेकर आई है। कुछ तो आश्रमों में पलते हैं, कुछ को परिवार गोद ले लेते हैं, कुछ अपने रिश्तेदारों के पास रह जाते हैं। पूरे हिमाचल प्रदेश में एक अंदाजन जो अंदाजा लगाया जा सकता है 6,000 के करीब बच्चे होंगे। अब 6,000 के बच्चे कई पढ़ने लिखने में अच्छे होते हैं, 12वीं तक तो हम उनका खर्चा देते थे, प्लस टू के बाद जब वो आगे पढ़ना जानते थे तो भी उनको खर्चे में वो पूरी चीज हम नहीं दे पाते थे। हमने फैसला किया पूरे हिमाचल के जो भी 6,000 बच्चे हैं, किसी के रिश्तेदार के घर में रह रहे हैं या किसी ने गोद लेकर उनको पालने की कोशिश की है, या कोई बच्चे बड़े हो गए हैं लेकिन अपना घर का संचालन खुद ही कर रहे हैं पर है अनाथ, उस दृष्टिकोण से हमने कहा कि जो बच्चा पढ़ना चाहता है, चाहे वो इंजीनियरिंग कॉलेज में पढ़ना चाहता है, चाहे वो मेडिकल कॉलेज में पढ़ना चाहता है, चाहे वो पॉलिटेक्निकल कॉलेज में पढ़ना चाहता है, चाहे IIT में निकल जाता है, IIM में निकल जाता है, किसी भी बड़े इंस्टीट्यूशन में निकलता है, उसके मन में ये कंठा नहीं रहनी चाहिए कि मैं पढ़ लिख कर मुझे इस संस्थान में इसलिए एडमिशन नहीं मिल पाया कि मेरे पास उसकी फीस देने के लिए पैसे नहीं थे। इस कुंठा को समझते हुए हमारी सरकार ने फैसला किया है कि जो भी बच्चा अपने जीवन काल में मेडिकल कॉलेज में, नर्सिंग में, पैरामेडिकल में, जिस भी शिक्षा संस्थान में कोई छूट भी गया होगा, जो उसके पढ़ाई से संबंधित होगा, जो उसके जीवन जीने के साधन से संबंधित कोर्स होगा, कोई भी ऐसा कोर्स, उस कोर्स के लिए हमारी सरकार उसको जैसे अपने बेटे को देते हैं, अपने बेटे को हम बोलते हैं कि अच्छी पढ़ाई करनी है, अपनी बेटी को बोलते हैं कि उसको ट्यूशन भी लगानी है, ये सारी व्यवस्था जो एक परिवार में एक बेटे को हम जिस रूप में देते हैं, हमारे विधायक, हमारे जो मुकेश अग्निहोत्री जी, हम जो अपनी बेटी को देते हैं, किसी प्रकार की किसी भी सुविधा से उसको वंचित नहीं किया जाएगा, यानी कि उसे जेब खर्च के लिए भी वैसे ही पैसे मिलेंगे जैसे वो अपने को चाहते हैं। इसी प्रकार अगर उसने कभी घूमने के लिए जाना है तो वो ये ना ताके कि वो किसी के निर्भर है, सरकार उसकी माता है, सरकार उसको, हम उसको वो जेब खर्च तक कभी देंगे, उसको कभी ये महसूस नहीं होने देंगे कि उसकी कोई कमी है उसमें, उसका परिवार हिमाचल प्रदेश सरकार होगी। इस दृष्टिकोण से हमने एक नीतिगत फैसला किया, अपने सब साथियों से चर्चा करके, हमारे चीफ सेक्रेटरी प्रमोद सक्सेना जी से चर्चा करके, सुधा जी से चर्चा करने के बाद हमने एक कोष स्थापित करने की घोषणा की है और ये तुरंत प्रभाव से लागू होगा। इसमें सभी बच्चों को सुख प्रदान हो, कोई उनको ऐसी महसूस ना हो कि हमारे माता पिता इस जीवन में नहीं रहे और हम दुखी मन है, कि दुखी मन से वो कभी मत सोचे, और हम किसी पर निर्भर भी ना हो, उन्हें ये लगे कि आज हम सुख है, हमें सुख मिल रहा है। इस दृष्टिकोण से हमने ऐसे लोगों के लिए मुख्यमंत्री सुखाश्रय सहायता कोष स्थापित करने की घोषणा की है।
इसमें 101 करोड़ रुपया उन बच्चों के लिए आज से तुरंत प्रभाव से लागू हो जाएगा। 101 करोड़ रुपया, ये कोष होगा, ये एफडी होगी, उनके जीवन जीने के लिए जो भी जरूरत होगी उसको जीने के लिए ये कोष 2023 में शुरू किया जाता है और ये तुरंत प्रभाव से लागू हो गया। मैं सभी पत्रकार बंधुओं से भी ये कहूँगा कि कोई बच्चा आपकी नज़र में भी आए जो अभी पढ़ना चाहता है, हम उनको सहायता करते हैं, 5,000 दे दिया, 10,000 दे दिया, हम उसके भाव को खरीदने की कोशिश करते हैं, दया भाव को हम करने की कोशिश करते हैं। इस दृष्टिकोण से मुश्किल था 101 करोड़ रुपया निकालना, लेकिन जब मेरी चीफ सेक्रेटरी साहब से बात हुई तो उन्होंने कहा कुछ कंपनियों से हम CSR से लेंगे, कुछ हम लोग भी उसमें कंट्रीब्यूशन करेंगे, पहले कंट्रीब्यूशन में हमारे जितने भी MLA हैं वो जितनी उनकी क्षमता है, लेकिन सभी MLA जो कांग्रेस के हैं, मैं धन्यवाद देना चाहूँगा सभी MLO का कि हमारी उनसे बातचीत हुई। ये भी अपनी इस सरकार की पहली पे का 1,00,000 रुपया उस कोष में दान करेंगे, तो इस संदर्भ में भी मैं इनका भी धन्यवाद करना चाहूँगा कि MLO ने, हमारे जितने भी MLA हैं, 40 MLA हैं, भारतीय जनता पार्टी के MLO से भी मैं अनुरोध करूँगा, हमारे पास तो थोड़ा अमाउंट है लेकिन सरकार की तरफ से 101 करोड़, 100 + 101 करोड़ रुपए का ये कोष स्थापित किया है। ये सिर्फ उन बच्चों के लिए हमारी पहली योजना है और इसकी और विस्तृत जानकारी, इसके साथ और भी एकल नारी है, ये बच्चे नहीं है, एकल नारी में कोई बेटी हमारी 22-24 साल के बाद भी विधवा हो जाती है, पढ़ती है, पढ़ना चाहती है, पढ़ाई करना चाहती है, उसको भी पूरा मिलेगा। और इस योजना में जब तक उसको हम स्थाई, जब तक उस बेटी की शादी नहीं हो जाती, शादी का खर्चा भी हमारी सामाजिक कल्याण विभाग उस समय की परिस्थितियों के हिसाब से उठाएंगे। तो ये हमने एक योजना आपके नाम आपको आज उन बच्चों के लिए 2023 के इस नव वर्ष में उनको हमारी तरफ से एक तोहफा है। अब हिमाचल में वो ये भाव नहीं रखेंगे जो भी बच्चे हैं कि उनके पास माता नहीं है, पिता नहीं है, सरकार उनकी माता भी है, सरकार उनकी पिता भी है। वो बच्चे अब किसी की दया भावना पर नहीं टिकेंगे, उनकी भावनाओं का सम्मान करना हमारा सरकार का पहला दायित्व है। ये वो वर्ग है जिसकी उपेक्षा होती रही है, इस दृष्टिकोण से कभी देखा नहीं गया इस वर्ग को। हम औरों को सुविधाएं देते हैं, हम और नागरिक आते हैं समाज के, हमारे पास हिमाचल की जनता आती है अपने लिए कुछ मांगने आती है, ये बच्चे हमारे पास मांगने नहीं आए। इन बच्चों ने हमेशा सहा है, अब इनके सहाने के दिन दूर हुए हैं। इस मुख्यमंत्री सुखाशा सहित सहायता कोष से 101 लाख करोड़ की 100 करोड़ प्लस 101 करोड़ रुपए की राशि तुरंत प्रभाव से जारी की जाती है। और आप पत्रकार बंधुओं से भी मेरा अनुरोध रहेगा, आपके ध्यान में जब भी आए, सामाजिक कल्याण विभाग इसकी नोडल एजेंसी है, हर जगह इनके डायरेक्शन होंगे क्योंकि एकदम ये योजना आई है, तो इसके लिए अभी थोड़ा टाइम लगेगा उनको विभाग में भेजने का, लेकिन आपके ध्यान में कोई बच्चा ऐसा है कि जो मेडिकल कॉलेज में है, इंजीनियरिंग कॉलेज में है, कहीं और सेलेक्ट हो चुका है, आप हमारी सेक्रेटरी से सीधा संपर्क कर सकते हैं, ये पैसा उनको सीधा उनके अकाउंट में जाएगा और उसके जेब खर्च, जैसे हॉस्टल में रहता है ना बच्चा, हमने हॉस्टल का लाइफ भी देखा, तो वो देखता ना रहे कि किसी के पास मेरे पास पैसे, तो उसके लिए भी एक हम पैसा उसको, जेब खर्च का पैसा भी हम उसको देंगे इस नव वर्ष में। ये हम अपने बच्चों के लिए लाए हैं, अपने उन बच्चों के लिए भी जो अनाथ आश्रम में ना पढ़कर किसी के घर में रह रहे हैं, वो सब लोग इसी योजना से प्रभावित होंगे। और समाज का जो वर्ग अछूता रह गया है, हमारी सरकार की प्राथमिकता उसमें पहली है। इसी संदर्भ में मैं सभी लोगों का, आप पत्रकार बंधुओं का भी धन्यवाद करता हूँ। जय हिंद, जय भारत।